तुर्की और सीरिया में 34,000 से ज्यादा मौतें। सीरिया बॉर्डर से लौटी तीन देशों की रेस्क्यू टीम, विद्रोहियों की झड़प में जान गंवाने का डर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में आज से शुरू, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कोरोना के बाद पहली बार दर्शक भी मौजूद। एयर शो में स्वदेशी सुपर सैनिक एयरक्राफ्ट पर बजरंग बली, ट्रेल पर लिखा तूफान आ रहा है। मोदी बोले सिर्फ एयर शो नहीं, भारत की ताकत है। अमेरिकी एयरफोर्स ने हफ्ते में तीसरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराया। अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास उड़ रहा था, बाइडेन के आदेश के बाद एक्शन। तमिलनाडु कांग्रेस नेता का दावा, एलटीटीई चीफ प्रभाकरन जिंदा है, कहा जल्द सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला इस फैसले का 370 से लेना देना नहीं, वो मामला संविधान पीठ में है। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट, 509 फ्लाइट कैंसिल, 250 केएमपीएच की रफ्तार से हवा चल रही। रूस से हथियार खरीदने में भारत पहले नंबर पर, 5 साल में 1,00,000 करोड़ के हथियार खरीदे, पश्चिमी देशों के दबाव का नहीं पड़ा कोई असर। जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने पर बोले कानून मंत्री, भारत किसी की जागीर नहीं, अब संविधान से चलता है, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित, विपक्ष के सांसदों ने अड़ानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग की, लोकसभा में राहुल को नोटिस दिया। जंग से बदहाल यूक्रेन, आईएमएफ से लोन मांगेगा, सरकार का वित्तीय घाटा 3,00,000 करोड़ पार करेगा, अमेरिकी मदद से भी नहीं होगी भरपाई। यूपी ने कंटेनर ने कार को 2 किलोमीटर तक घसीटा, अंदर बैठे 3 लोगों ने कूद कर बचवाई जान, पुलिसकर्मी रोकने के लिए चिल्लाते रहे। भारत पाक के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स, पाकिस्तान क्रिकेटर ने शेयर किया वीडियो। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट अब इंदौर में होगा, पहले धर्मशाला में खेला जाना था मैच, 1 मार्च से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के मोमेंट, टीम इंडिया ने 18 बॉलों पर 52 रन बनाकर मैच पलटा, जेमिमा ने कोहली की याद दिलाई।